बड़ी बड़ी दीवारें बनाते हैं डर की वजह से, इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए बल्कि कोई बाहर से अंदर ना आ जाए। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। आफ्टर सक्सेस ऑफ केजीएफ एंड केजीएफ चैप्टर 2, प्रशांत नील को लगा भाई साहब सेम ऐसा ही कंटेंट एक बार फिर दे देते हैं, शायद पब्लिक फिर से पसंद कर लेगी और मजा आ जाएगा। शायद क्या, उन्हें पूरा यकीन था कि भाई साहब मैं सालार का ट्रेलर फेंक के मारूंगा और ठीक है धड़ाधड़ व्यूज तो आए, लेकिन लोगों को उतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ। बाई गॉड, सालार का ट्रेलर आया, लोगों को हिट नहीं हुआ। हाँ, इतनी इसके लिए इतना एक्साइटमेंट था लोगों को, व्यूज इसलिए भी इतने ज़्यादा है क्योंकि बहुत एक्साइटमेंट था। बच्चों को पता था कि भाई प्रभास की नई मूवी आने वाली कौन सी, सालार। तो लोगों ने इसे चेकआउट करना जरूरी समझा और जाके एक बार देखा। पहले हुआ कि तेलुगू का ट्रेलर पहले आया, देन एक घंटे के बाद हिंदी ट्रेलर आया, उसके बावजूद भी हिंदी में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला व्यूज के मामले में, नॉट लाइक्स के मामले में। ठीक ठाक लाइक्स आए हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन भाई साहब प्रशांत नील ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ गए कि भाई जो मैंने अभी पब्लिक को दिया है, जो लॉलीपॉप हमने पब्लिक को दिया है, ये पब्लिक को नहीं हिट हुआ है। तो वो लोग अब सेकंड ट्रेलर डिजाइन कर रहे हैं जो हमें कुछ ही दिनों बाद देखने को मिल जाएगा, और ये डिसीजन बाय गॉड मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिसीजन लगा। आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि इस मूवी के लिए पब्लिक बहुत इंतज़ार कर रही थी। भाई साहब इस मूवी में अगर हमें ऐसा कुछ लगेगा नहीं जो अंदर से बूस्ट करेगा कि भाई यस है, इसमें सब कुछ है, दमदार है, जो इसमें मिलने वाला है वो दमदार है, क्योंकि केजीएफ हमने देखी, केजीएफ चैप्टर 2 हमने देखी, सेम वाइब आ रही है, वही हीरोइक एक्शन, वही स्लो मोशन एंट्री देन री एंट्री, उसी चीज़ का हमें तड़का देखने को मिला, वही चीज़ें हमें हाईटेक एडवांस वेपन देखने को मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़ इस साल हम बहुत बार देख कर आ चुके हैं और पहले भी देखते हुए आ रहे हैं, तो नया फिलहाल के लिए कुछ नहीं लगा, लेकिन स्टोरी में बहुत दम है। वो आपको जानना है तो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें ट्रेलर को लेयर बाय लेयर ब्रेक डाउन कर रखा है, जिसमें भाई साहब वाकई में स्टोरी कॉन्टेंट बहुत दमदार है, स्टोरी लाइन बड़ी दमदार होने वाली है, लेकिन ट्रेलर उस हिसाब से डिजाइन करा गया कि जो जनता को हिट नहीं कर पाया, उनकी तरफ से बेस्ट था बट जनता को हिट नहीं कर पाया। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहते थे, एनिमल का जैसा ट्रेलर आया ना, टीजर जो आया था भाई सॉलिड लेंथ थी, एक बार के लिए कहें तो ट्रेलर ही था वो, लेकिन जब ट्रेलर आया है टीजर कोई याद नहीं है, कोई टीजर का याद ही नहीं करना चाहता एनिमल के टीजर को। वो वाला मोमेंट जो है सालार को भी जनरेट करना चाहिए और इस चीज़ पर काम चल रहा है भाई साहब। सिर्फ एक्शन ट्रेलर होगा, सालार मतलब एक्शन, सालार इज इक्वल टू एक्शन, प्रभास इज इक्वल टू एक्शन, ऐसे वाला मोमेंट जो है हमारे दिमाग में बन चुका है, ऐसी वाली फिगर डिजाइन ये चीज़ बन चुकी है। सालार मतलब क्या, एक्शन, सीधा सीधा ये नज़र आ रहा है, लेकिन हमें ट्रेलर में वो चीज़ नहीं देखने को मिली उतनी ज़्यादा, दैट्स वाई कि ये एक की मोमेंट है जो ट्रेलर हिट नहीं किया पब्लिक को। लेकिन अब इस पर काम चल रहा है, जो सिर्फ एक्शन ट्रेलर आने वाला है वो कब आएगा, लगभग में लगभग 16th of December या फिर 15th of December, मेजर जो है 16th of December में ही रिवील आउट करने की ये प्लानिंग कर रहे हैं सालार मेकर्स। तो इसकी लेंथ क्या होने वाली है, दूसरा पिटफॉल्स ये भी था कि भाई साहब सालार का ट्रेलर लेंथी था, 3 मिनट से कहीं ऊपर था, लगभग 3.5 मिनट या कुछ भी थी, मेरे को याद नहीं है अभी, लेकिन बहुत लेंथी था। एक बार के लिए भाई लग रहा था कि यार स्लो हो चुका है, एनिमल का ट्रेलर भी लेंथी था, लेकिन भाई वो ट्रेलर कब शुरू हुआ कब ख़त्म हुआ कुछ पता नहीं चला, वो ऐसे वाला मोमेंट उसमें जनरेट किया संदीप रेड्डी वांगा ने। तो वही चीज़ सालार के ट्रेलर में भी होनी चाहिए थी, क्योंकि सालार के ट्रेलर में क्या हुआ ना, बहुत सी स्लो एंट्री थी, हीरोइक एंट्री थी, हर जगह पे स्लो मोशन था, तो भाई ये चीज़ ना अब जनता को समझ में आने लगी। तो भाई इस चीज़ का ना आप लॉलीपॉप हमें बार बार नहीं पकड़ा सकते, अगर आपको अपनी मूवी को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाना है, हिट कराना है तब। तो जो सेकंड ट्रेलर होने वाला है उसकी लेंथ लगभग में लगभग 2 मिनट 52 सेकंड के आसपास होने वाली है, और जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट टाइमिंग है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रन टाइम है ट्रेलर को एक डिफाइन करने के लिए कि भाई हमारी मूवी में ये सब आपको मिलने वाला है। तो यस, सालार के ट्रेलर के लिए एक बार फिर से एक्साइटमेंट जनरेट हो रहा है कि यस, जो एक्शन उसमें मिस हो गया था वो शायद हमें इसमें देखने को मिलेगा, जो एक ट्रस्ट बना के जाएगा, जो एक प्रॉमिस करके जाएगा कि भाई हमारी मूवी में आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है। ये चीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट लग रही है। देखते हैं सेकंड ट्रेलर में क्या होने वाला है, लोगों को हिट करता ही नहीं करता है। ट्रेलर ऐसा नहीं था कि बेकार था, ट्रेलर अच्छा था पर एवरेज था, हमें एवरेज नहीं, पर सालार के लिए भाई लोगों ने बहुत इंतजार किया, तो लोग एवरेज में बिल्कुल खुश नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले या तो एनिमल मूवी जो आई है उससे पहले ये लोग अगर ट्रेलर रिवील आउट कर देते
तो यस वो ट्रेलर बाय गॉड हिट करता, ये जो अभी प्रीवियस 2-3 दिन पहले ट्रेलर आया है बिल्कुल सॉलिड हिट करता। लेकिन एनिमल मूवी देखने के बाद लोगों की वायलेंस को लेकर, एक्शन वायलेंस को लेकर, मास को लेकर एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और प्रशांत नील जैसा मास्टरमाइंड डायरेक्टर हो तो भाई ऑटोमेटिक हमें एक्सपेक्टेशन बढ़ती बढ़ती है। देन उसमें लीड रोल पर बाहुबली अपना बंदा प्रभास हो तो भाई एक्सपेक्टेशन तो बढ़ेगी ना। तो उस एक्सपेक्टेशन को अगर रीच नहीं करोगे तो भाई आपकी मूवी इतना दम नहीं लाएगा। जबकि ये मूवी क्लैश कर रही है शाहरुख खान की डंकी के साथ, भाई तीसरी एमआई होने वाली है 1000 करोड़ की, जो क्योंकि डंकी का ट्रेलर भी कुछ दिन बाद हमें रिवील आउट होते नजर आएगा। 7 दिसंबर दे रहे हैं कि ट्रेलर आ जाएगा डंकी का, बट आई डोंट नो ऑफिशियल है कैसा है। 7 दिसंबर अभी चल रहा है, हु नोज 7 दिसंबर को ही आ जाए डंकी का ट्रेलर, तो ये बेस्ट टाइमिंग है। 16 दिसंबर को अगर सालार का एक्शन ट्रेलर आ जाता है बढ़िया वाला, तो मूवी फाड़ेगी, 1000 करोड़ तो फाड़ेगी और इस साल की बिगेस्ट मूवी बनेगी ही बनेगी, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत फाड़ है इसमें। तो सेकंड ट्रेलर के लिए कितना वेट है आपको, ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है भाई, क्योंकि अभी देखो इस ट्रेलर को देख के लग रहा था कि यार डंकी से क्लैश कर पाना, डंकी से मुकाबला कर पाना इसके लिए भारी पड़ जाएगा। लेकिन अगर इस ट्रेलर में जो सेकंड ट्रेलर है इसमें दम देखने को मिला तो भाई बराबर का टक्कर हुआ, क्योंकि डंकी तो फाड़ेगी ही फाड़ेगी, डेफिनेटली फाड़ेगी, हिंदी रीजन में बहुत अच्छा फाड़ेगी डंकी। सालार फाड़ेगी नहीं फाड़ेगी वो आप नीचे कमेंट में जरूर बता के जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, चाहिए।